So it's time to say goodbye to Kolkata, heading towards our hometown, Assam. अभी इधर से कोलकाता से लेंगे फ्लाइट डिब्रूगढ़, फिर डिब्रूगढ़ से बाय रोड जोरा, बिकॉज जोरा की फ्लाइट मिली नहीं हमें. सो लेट्स लुक एट द जर्नी दैट वे. Just look at the greenery and the paddy fields. Wow! Ki hawa kitna light hai aur aur pata hai kya tu dekh different shades of green hai. Finally, I'm at home. मैं आपके साथ अपनी कोविड टेस्ट जर्नी शेयर करना चाहती हूँ. I think it might help others. It's just for the purpose of helping other travelers who might be traveling from Pune or Kolkata. तो हमको टोटल 3 टेस्ट कराने पड़े थे, कोविड टेस्ट. यस, 3 टाइम्स वी हैड टू डू दैट पेनफुल टेस्ट. एंड पहले तो हमने पुणे से आते टाइम करवाया, काफ़ी कन्वीनियंटली हो गया था, बट वी हैड टू पे 1500 फॉर दैट, फॉर बोथ ऑफ अस, नानू और मेरा. एंड देयर वाज 750 ईच, बट वो घर पे आके करके गए थे, सो दैट वाज क्वाइट कन्वीनियंट. क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं फ्लाइट टिकट्स में कि एटलीस्ट 72 आवर्स पहले का स्पेसिमिन होना चाहिए कलेक्टेड. तो आपके पास अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आपको बोर्ड नहीं भी करने दिया जा सकता है. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ. हमें मुंबई एयरपोर्ट में किसी ने पूछा ही नहीं. हम आपने देखा होगा अगर पिछले ब्लॉग्स में, हम पुणे में थे, फिर पुणे से हम मुंबई गए. हमने मुंबई से फ्लाइट ली अपनी टू कोलकाता, तो मुंबई एयरपोर्ट में किसी ने नहीं देखा, ना ही कोलकाता एयरपोर्ट में किसी ने वो रिपोर्ट देखी हमारी. एंड अगेन सेम इंस्ट्रक्शंस थे कोलकाता एयरपोर्ट से जाने पे भी, तो हमने फिर से करवाया. एंड कोलकाता में अनफॉर्चुनेटली मेरी बुआ जहाँ रहती है वहाँ पे बैन है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो. डायग्नोस्टिक सेंटर्स जितनों से भी हमने बात करी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे घर पे आना बैन है. सो डायग्नोस्टिक सेंटर जाके करवाना पड़ा. सो आउट ऑफ द 3 डेज दैट वी वर देयर इन कोलकाता, हमें एक दिन फर्स्ट हाफ पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर में बिताना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली अगेन. देन हमारा रिजल्ट आ गया नेक्स्ट डे एंड वॉज नेगेटिव ऑफकोर्स. बट अगेन कोलकाता एयरपोर्ट में भी किसी ने नहीं देखा और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में भी किसी ने नहीं देखा. एंड जब हम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट आए तो हमको फिर से टेस्ट करना पड़ा एट द एयरपोर्ट इट्सेल्फ. तो एयरपोर्ट में 500 रुपीज़ ईच
करके टेस्ट हो रहा था एंड विदाउट डूइंग अ टेस्ट यू कांट स्टेप आउट ऑफ द एयरपोर्ट. हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो टेस्ट एक्चुअली 72 आवर्स पहले करा के गए थे, जो कि हम भी उनमें से एक थे, और हमने कराई ही इसलिए थी सो दैट हम जल्दी से निकल सके वहाँ से, क्योंकि मेरा घर जोरहाट में है एंड मुझे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से आना था टू जोरहाट, जिसके लिए हमें 4 आवर्स की जर्नी करनी थी. तो एज सून एज पॉसिबल मैं एयरपोर्ट से निकलना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने इतना पे करके और अपना डे वेस्ट करके किया वो टेस्ट, बट इट वॉज ऑफ नो यूज एट ऑल. सो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में कोई अगर आ रहा है तो आप भले ही टेस्ट करा के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर से टेस्ट लेना ही पड़ेगा डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में एंड यू हैव टू पे 500 rupees फॉर दैट. So the process was quite quick, जल्दी से बहुत ही जल्दी टेस्ट हो गया, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर वरिड एंड हैरान, तो फिर वो वैलिड होगा वो रिपोर्ट, सब यही सोच के आए थे. एंड बहुत सारे लोग थे जो बहुत डिसअपॉइंटेड थे वहाँ पे एंड थोड़ा कमोशन भी हो गया था उसकी वजह से, झगड़े हो रहे थे ऑफिशल्स के साथ, बट दे ऑल्सो डिड नॉट हैव अ चॉइस, यू नो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है एंड वी हैड टू अबाइड बाय दैट. बट या ऑफकोर्स जब आप इतना पे करते हो और अपना इतना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो ताकि आपको एयरपोर्ट में आके कोई हरासमेंट ना हो ऐसी, तो डिसअपॉइंट तो होगा ही इंसान एंड देन अगेन यू हैव टू पे फॉर द टेस्ट. So that's my story of COVID test that I had to do aane ke liye, ghar aane ke liye, but all worth it because finally jab ghar aate hain aur sabko dekh mummy papa ko dekhte hain ghar dekhte hain to wo sab kuch matter nahi karta hai. It's all worth it when we see the house. Ghar apne ghar aane ka to maza hi kuch aur hai. And look at the pretty house we have. Oh my god, how I missed this house. जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम मेरा, मेरे पिछले व्लॉग्स में मैंने दिखाया है मेरा पुणे टू एक्चुअली पुणे टू मुंबई रोड जर्नी थोड़ा सा एंड देन मुंबई टू कोलकाता एंड देन कोलकाता में मैंने क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें की है. सो यू कैन चेक दैट आउट माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक इट.